बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाइबा और आप देख रहे हैं लिबू किचन यूट्यूब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी ड्रिंक जिसका नाम है रिफ्रेशिंग लीची ब्लैक सीड ड्रिंक। लेकर आई हूँ जिसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल सी। यहाँ पर हमने लिया है तुखमलंगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया था, जिसको नीम गर्म पानी में मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैं शुगर का इस्तेमाल करूँगी, मगर आपको जितनी ज़रूरत होगी आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है लीची, तकरीबन 350 ग्राम्स का है, जिसको मैंने छील के पिल ऑफ करके मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। और साथ में मैंने लिया है आइस क्यूब्स, जिसकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ठंडा ठंडा बनाना चाह रही हूँ मैं, तो इस वजह से यहाँ पे आइस क्यूब का इस्तेमाल करूँगी। और क्योंकि इसका जो ड्रिंक होगा वो बहुत ही वाइट कलर में आता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं फूड कलर यूज़ करूँगी ब्लू में, जो मेरे पास रखी हुई है ऑलरेडी, मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, तो 1 ड्रॉप हम फूड कलर यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राइंडर हम लोगों ने ले लिया है, सबसे हम ग्राइंडर के अंदर जो है लीची डालेंगे। तो अब हम इसके बाद शुगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और अब साथ में जाएंगे इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स। इसके अंदर हम डालेंगे 1 ड्रॉप जो है फूड कलर, वो भी ब्लू में, ताकि थोड़ा सा कलर इसमें चेंज हो और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अब हमने इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया है ग्राइंडर के अंदर। तो अब हम ग्राइंडर में जो है ना ब्लैक सीड नहीं डालेंगे, पहले हम इसको ग्राइंड करते हैं, फिर मिलते हैं। तो इसके अंदर मुझे 1 गिलास पानी भी डालना था, तो वो बताना आपको मैं भूल गई, तो इसमें 1 गिलास पानी भी जाएगा। तो हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर चुके हैं, तो चले अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करके आते हैं। ये देखिए हमारी यम्मी सी ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हम ग्लास जग में जो है ना शिफ्ट करेंगे इसको। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो अब हम इसके अंदर जो है तुखमलंगा ऐड करेंगे। ये आपको ज़रूरत होगी तुखमलंगा, आप उतना ही इसमें शामिल कर सकती हैं। रेडी हो गई है, अब हम इसको ग्लास में सर्व करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा कलर आया है। रेडी हो गई है। आई होप कि आप लोग को मेरी सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।